हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड और पालक से बने बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी कटलेट की रेसिपी। ये बहुत अच्छी रेसिपी है और ब्रेड और पालक का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस कटलेट में, काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लिया है एक बंच पालक, जिसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से और बारीक चॉप कर लिया है। एक बाउल में इसे डाल देंगे। इसके बाद इसमें करीब 4 से 5 ब्रेड की स्लाइस को मैंने इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लिया है, यानी पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करना है। आप चाहें तो उसको तोड़ के भी डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके। फिर इसमें डालेंगे एक बड़ी प्याज बारीक चॉप करी हुई। फिर इसमें डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ अदरक। अदरक को बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करना है, या फिर आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गार्लिक का पेस्ट, या फिर गार्लिक को आप क्रश करके भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट साथ में बना के भी डाल सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, तो साबुत जीरा मैंने डाला है, आप जीरा पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। फिर इसमें जाएगा 2 चम्मच के करीब चावल का आटा। इससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इनके चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, और नमक ऐड कर देंगे। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, तो नमक भी डाला है और चाट मसाला में भी नमक होता है, उसके हिसाब से नमक इसमें डालें। फिर इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। बहुत तीखा नहीं होना चाहिए, अगर बहुत तीखा पसंद करते हैं तो आप दोनों थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से, जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं उसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से कंबाइन कर लेंगे, और अब इसके छोटे छोटे कटलेट बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाने हैं, थोड़े ही पतले रखेंगे और छोटे रखेंगे। राउंड शेप देते हुए आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं, ओवल शेप में भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन कटलेट बना रहे हैं तो कटलेट यही शेप इसकी मोस्टली होती है। तो इसी तरीके से ये बना के हम इसको रख लेंगे फ्राई करने के लिए, और तेल को अच्छे से गरम कर लेना है। इसे गरम तेल में ही फ्राई होगा। ये गरम तेल एक बार हो जाए तब मीडियम फ्लेम कर दें और फिर इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। दोनों तरफ से टर्न करते रहेंगे बीच बीच में। तो मैं इसको 2 बैच में फ्राई कर लूँगी, कढ़ाई को ओवरलोड नहीं करेंगे। एक तरफ से थोड़े से फ्राई हो जाए तो इसको हम टर्न कर देंगे, और इसी तरीके से इसको बीच बीच में टर्न करते रहेंगे और दोनों तरफ से लाइट ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, इसमें काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है, ये देखिए क्रिस्पी हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। और बस अब इसको तेल से बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसे बनाने में। इसको प्रिपेयर करने में बहुत ही कम समय लगता है, एक है बहुत अच्छी रेसिपी और स्नैक। तो दूसरा बैच भी देखिए फ्राई हो चुका है, और ये हमारे क्रिस्पी और टेस्टी ब्रेड और पालक के कटलेट रेडी हैं। एक तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए अंदर से कितने अच्छे लग रहे हैं और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं, और नो डाउट ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप ये ट्राई करें शाम की चाय के लिए या फिर सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, हरी चटनी के साथ इसे ज़रूर सर्व करें। तो रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो एक लाइक दे दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।